दोस्तों क्या आप जियो यूजर हैं? अगर है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जियो जो है यहाँ पे आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आया है जिसमें आपको पूरे 2 GB मिलते हैं, वो भी पूरे 51 डेज के लिए। तो यहाँ पे इस ऑफर में आपको डेटा जो है भर भर के मिल रहा है। तो अगर आप नेट ज्यादा यूज करते हो या फिर डेटा का आपको ज्यादा काम रहता है तो ये जो है ऑफर आपके लिए हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम पूरा इस ऑफर के बारे में डिटेल से जानते हैं कि इस ऑफर में क्या फायदे है, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है आपको मिलेगा इस ऑफर के साथ। तो आइए इसको जस्ट जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब देश इस बात के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी ले चलता हूँ आपको अपने माय जियो ऐप पे और वहां पे मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इस ऐप में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है या क्या बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। पूरा ओवरऑल डिटेल इस ऑफर के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं माय जियो ऐप पे। आइए दोस्तों, अपन जानेंगे अब इस प्लान के बारे में कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पूरा डिटेल कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, नीचे आपको आना है। सबसे पहले माय जियो ऐप का आपको आना है, अपने माय जियो ऐप पे उसको आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आपको होम, रिचार्ज, माय वाउचर्स, कूपन और जियो केयर आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको रिचार्ज वाला ऑप्शन पाना है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो आपको बहुत सारे प्लान दिख रहा होगा, 1.5 GB पर डे, 1 GB, 2 GB, 3 GB अफोर्डेबल प्लान। तो ये सब पे आपको नहीं जाना है। आप ऊपर जब आएंगे तो आपको हेडिंग दिख रहा होगा पॉपुलर प्लान, टॉप अप, 4G डाटा वाउचर और यहाँ पे बगल में क्रिकेट पैक। तो इस क्रिकेट पैक वाला ऑप्शन पाना है। तो यही वो प्लान है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए, 251 में आपको मिल रहा है 51 डेज के लिए, ओके, 2 GB पर डे। तो आइए इसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अब हम देखते हैं प्रूफ के साथ। तो इस प्लान पे जब आते हैं तो देखिए, यहाँ पे 2 GB पर डे आपको मिलेगा और वॉइस कॉलिंग नॉट एप्लीकेबल, SMS नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। वैलिडिटी जो है 51 डेज के लिए। और एक बात, डाटा कैन बी यूज टू एक्सेस ऑल इंटरनेट कंटेंट। देखिए यहाँ पे जो साफ साफ कह दिया है जियो केयर ने कि आपको जो है वॉइस कॉलिंग नहीं मिलेगा, SMS जो 100 SMS मिलता था वो नहीं मिलेगा, डेटा जो है आपको 2 GB पर डे मिलेगा 251 रुपीज में और वो भी पूरे 51 डेज के लिए। तो डेटा आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है इसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नुकसान यही हो रहा है, तो कॉलिंग नहीं मिल रहा और SMS नहीं मिल रहा। अगर आप नेट ज़्यादा यूज़ करते हो, डेटा ज़्यादा यूज़ है आपका, तो आप इस प्लान की तरफ आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको कॉलिंग भी चाहिए तो आप दूसरे प्लान की तरफ जा सकते हो। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने इस प्लान में आपको जो है डेटा भर भर के मिल रहा है, आपको जो है 2 GB पर डे वो भी पूरे 51 डेज के लिए मिल रहे हैं। इसका प्राइस है 251। एक और प्लान है जियो का जिसका प्राइस है 249। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 251 वाले में आपको 2 रुपए प्राइस ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको पूरे 51 डेज के लिए मिल रहे हैं, टाइमिंग ज्यादा है उसमें और उसमें डेटा भी आपको 2 GB मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसमें कॉलिंग और SMS की सुविधा नहीं है। लेकिन 249 का जो प्लान है उसमें आपको क्या है, कॉलिंग की सुविधा है और डेटा भी आपको वही है, लेकिन इसमें टाइमिंग कम है। तो यही डिफरेंस है। तो अगर आपको कॉलिंग से ज्यादा मतलब नहीं या फिर ज्यादा कम कॉलिंग करते हैं तो आप इस प्लान पे जा सकते हैं, डेटा आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, डेटा का ज्यादा अगर यूज करते हैं तो बस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर उस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ये प्लान के बारे में। और दोस्तों, आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे।